Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक थाई हॉरर स्लैशर मूवी आर्ट ऑफ द डेविल 2 के बारे में. यह फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी और यह आर्ट ऑफ द डेविल सीरीज की सेकेंड इंस्टॉलमेंट है. पहली वाली फिल्म बिल्कुल ही बकवास है, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया और डायरेक्टली पहुंच गई पार्ट 2 में. दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कोंकियाट खोमसिरी ने. इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 और 77% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है. दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है और फाइनल ट्विस्ट तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. कहानी शुरू होती है एक पोजेस्ड व्यक्ति को दिखाते हुए. वो दर्द में तड़प रहा था. उसका पूरा शरीर घाव से भर चुका था, छाले पड़ चुके थे उसे. उसके परिवार के लोगों ने मिलकर उसे एक शमन के पास ले जाते हैं. वो अपने हीलिंग प्रॉपर्टी से उस व्यक्ति को ट्रीट करने की कोशिश करती है, मगर इससे उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है. उसके उन घाव से फिशिंग हुक्स निकलने लगते हैं. शरीर का एक भी कोना ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं निकल रहा था. उस व्यक्ति का पूरा शरीर खून में लथपथ हो चुका था. फाइनली उसके आंखों से एक पूरी मछली निकल आती है, जिसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे ही हुक्स चुभे हुए थे. यह व्यक्ति और दर्द सहन नहीं कर पाता और वहीं पर तड़पते हुए गिरगिराते हुए गुजर जाता है. नेक्स्ट सीन में हम एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को देखते हैं. टा, किम, पॉड, टाड, नूट और को. फिलहाल तो वो लोग बैंकॉक शहर में अलग अलग जगह पर अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं. मगर 2 साल पहले तक वो सभी लोग एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे. एक साथ बहुत मस्ती की है इन लोगों ने. बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी उनकी उनके बीच, मतलब अभी भी है. मगर ग्रेजुएशन के बाद इन 2 सालों में एक बार भी एक दूसरे से मिलना पॉसिबल नहीं हुआ. इतने में उन्हें खबर मिलती है टा के पिता के मौत के बारे में. तो वो सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसके गाँव जाएंगे उससे मिलने. अब ये जो टा है वो बाकी के दोस्तों से काफी अलग है. स्कूल में पढ़ते वक्त वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, मगर वो एक स्पोर्ट चैंपियन था. स्कूल के बहुत सारे लड़कियां उस पर फिदा थी. मगर वो प्यार करता था कीम से. वो दोनों काफी लफी डब्बे कपल हुआ करते थे, मगर उनके बीच स्टेटस का डिफरेंस तो था ही. ऊपर से कीम पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, उसे डॉक्टर बनना था. और ये टा, वो पूरा दिन आवारा गर्दी करता फिरता था, लोगों से झगड़ना, मारपीट करना. उसे तो एक बार जेल भी जाना पड़ा था. उसकी माँ मिसेस पनौर उसका बेल करवा के उसे घर तो ले आई, मगर इसके बदले उसे बहुत मार खाना पड़ा. असल में वो उसकी सौतेली माँ थी जो हमेशा ही उसे टॉन्ट करती रहती थी. तो टा को भी बहुत गुस्सा आया. उसे बस एक मौका चाहिए था बदला लेने का, इसीलिए वो पनौर के ऊपर नजर रखने लगा. एक्चुअली ये ग्रुप जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में मिसेस पनौर टीचर हुआ करती थी. एक दिन टा उसे फॉलो करते हुए स्टोर रूम में जा पहुंचता है और वहां उसे अपने माँ अपने कोच के साथ इंटीमेट हालत में दिखती है. वो घर जाकर अपने पिता से भी कहता है, मगर कोई उसके बातों पर बिलीव नहीं करते, सिर्फ उसके दोस्तों को छोड़कर. पॉल उसे सलाह देता है क्यों ना वो उनका वीडियो निकाले, तब तो उसकी बात माननी पड़ेगी सबको. वो लोग वैसा ही करते हैं, मगर इस बार वो कोच उन्हें देख लेता है, उनसे कैमरा छीन कर उल्टा उन्हें ही हॉस्टेज बना लेता है. मगर पॉल उस कैसेट को बाहर फेंक देता है. ये कोच उन्हें गन पॉइंट पे लेकर बहुत टॉर्चर करता है, मारता है, सेक्सुअल अब्यूज भी करता है. वो उल्टा उन्हें ये कहकर धमकाता है कि अगर उन्होंने किसी से भी कुछ भी कहा तो वो उनके अगेंस्ट रॉबरी और असॉल्ट का चार्ज लगाएंगे, उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और जेल भी हो सकता है. इससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं. और उनके पास वो कैसेट भी नहीं था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था. मगर उन्हें बदला तो लेना था ही, तो वो लोग जाते हैं एक तांत्रिक के पास जो किसी पर भी काला जादू कर सकते थे. उनके कहने पर वो लोग मिलकर कोच का पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसके कपड़े, फोटो और भी कई सारी चीजें कलेक्ट करते हैं और उस तांत्रिक को उस कोच पर एक बहुत ही भयानक स्पेल कास्ट करने के लिए कहते हैं, जिससे उसे एक खतरनाक मौत मिले, जो उसे मिलती भी है. कहानी के स्टार्टिंग में वो जिस आदमी को हमने तड़पते हुए देखा था वो वही कोच था. मगर इसके बाद शायद किसी को उस कैसेट के बारे में पता चल गया और उसने उस कैसेट को, उस वीडियो को इंटरनेट पे लीक कर दिया. मिसेस पनौर तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची. उन्हें इतना बेइज्जत होना पड़ा कि वो जैसे पागल ही हो गई. एक दिन स्कूल में वो अपने पैर को चाकू से हर्ट करने लगी. शायद वो सुसाइड करना चाहती थी, मगर सभी ने मिलकर उसे बचा लिया. टा को उसका बदला तो मिल गया, मगर इस सब के चलते किम ने उससे ब्रेकअप कर ली, क्योंकि वो शायद समझ चुकी थी कि टा के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं. ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक उसने किसी से कॉन्टेक्ट नहीं रखा.
उसके बारे में, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में किसी को पता नहीं चला। सभी अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए। किम भी पॉल के साथ एंगेज हो गई और अभी इतने दिनों बाद वो सभी मिलकर जा रहे हैं अपने उसी दोस्त से मिलने। स्टेशन में उन्हें टाक खुद ही रिसीव करने आता है। वो कहता है उसका सौतेला भाई नोंग किसी गुंडे के साथ झगड़े में गुजर गया और सारा दोष उस पर आ गया। उसे स्केपगोट बनाकर डिसिप्लिनरी स्कूल में भेज दिया गया। उसके पिता ने सुसाइड कर ली। अभी बस कुछ दिन पहले ही उसे छुट्टी मिली है तो वो आया है अपने पिता के फ्यूनरल में। अभी भी उन्हें काफी लंबा सफर तय करना था इसलिए वो लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि नोटिस करती है लोग उन्हें बहुत अजीब तरह से घूर रहे हैं। असल में नोट ने काफी रिवीलिंग कपड़े पहन रखी थी तो शायद इसीलिए सभी उसे देख रहे थे। टाप ने ग्रैनी के साथ अलग घर में रहता है और पनौर अलग घर में। फ्रेश होने के बाद वो लोग सभी मिसेस पनौर से मिलने जाते हैं। तब तक टा उनके लिए कमरे रेडी करके रखेगा। मिसेस पनौर उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है, अच्छे से उनका वेलकम करती है और उन्हें डिनर पे भी इनवाइट करती है। मगर तभी नूट को अपने घर से कॉल मिलता है। उसे अभी का अभी घर वापस जाना होगा। उसके अंकल आ रहे हैं स्टेशन पर उसे रिसीव करने, तो वो सबको अलविदा कहती है और घर वापस जाने लगती है। रह जाते हैं केम, पॉर, टार और को। वो लोग बहुत मस्ती करते हैं स्कूल डेज की तरह। लेकिन कीम को बार बार कुछ अजीब फील हो रही थी। कभी उसे आवाजें सुनाई दे रही थी तो कभी पानी में कुछ दिखाई दे रहा था। ऊपर से टा के सामने वो कंफर्टेबल भी फील नहीं कर पा रही थी। उसे पता है टा अभी भी उससे प्यार करता है मगर वो उस बात को भुला चुकी है। मगर शाम होते ही उन सभी को एक ऐसे हादसे का सामना करना पड़ता है कि सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें टा की ग्रैनी दिखती है एक बिल्ली को खाते हुए। वो भयानक दिख रही थी, ये उनकी ही पेट थी और अभी वो उसे ही मारकर खा रही है। टा उन्हें सुलाने ले जाता है मगर वो बार बार कहने लगती है मुझे भूख लगी है, तुम लोग मुझे खाने क्यों नहीं देते। असल में उनकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं थी मगर ये लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि अपने मन के शांति के लिए वो लोग पहले पूजा करते हैं और उसके बाद जाते हैं मिसेस पनौर के घर में डिनर करने। लेकिन शायद किम सही थी, सच में यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा था क्योंकि उनके प्रेयर्स भगवान तक पहुँचने से पहले ही सारे के सारे अगरबत्तियाँ बुझ जाती हैं। इस सबसे अनजान किम, पॉर, को और टा खाना एंजॉय करने लगते हैं। मिस पनौर ने चिकन सूप लाजवाब बनाई थी मगर कुछ देर खाने के बाद ही उन्हें एहसास होता है कि ये चिकन नहीं है, किसी इंसान का मांस है। वो लोग वॉमिट करने लग जाते हैं और किसी के मुंह से उल्टी के साथ नाखून निकलता है, किसी के मुंह से आंखें और कॉन्टैक्ट लेंस, और सभी के सभी नूट के थे। मतलब मिसेस पनौर ने उनके लिए ये सूप नूट के मांस से बनाई थी, मगर क्यों? क्या वो पागल हो चुकी है? सारे दोस्त मिलकर उसे ढूंढने जाते हैं मगर वो अपने कमरे में नहीं थी। टा ग्रुप से अलग होकर नीचे जाता है और ठीक उसी वक्त किम पोजेस्ड हो जाती है। उसके नाक से खून बहने लगता है। वो किसी तरह से क्लोजेट के पास जाकर उसे खोलती है, अंदर से कैमरा निकाल कर ही बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद उसका तो होश लौट आता है मगर उस कैमरा में जो वीडियो थी उसे देख कर सभी के होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में मिसेस पनौर एक व्यक्ति को मारकर उनका मांस खा रही थी और यह व्यक्ति कोई और नहीं वही तांत्रिक था जिसने इस ग्रुप की मदद की थी उस कोच को सबक सिखाने में। पता नहीं किसने इस वीडियो को कैप्चर किया है मगर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि मिसेस पनौर पागल नहीं है। वो पर्पसफुली इंटेंशनली ये सब कुछ कर रही है। शायद उन्हें पता चल चुका है उनके रेपुटेशन, उनके जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे इन लोगों का हाथ है और अभी वो बदला ले रही है और उनका गेस बिल्कुल सही है। हम मिसेस पनौर को ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हुए देख पाते हैं। उसने उस तांत्रिक के सर को प्रिजर्व की थी और साथ में और भी कई सारे लाशों को भी, जिनके माध्यम से वो अभी एक एक करके इस ग्रुप के लोगों को तड़पाने वाली है। सबसे पहले वो टार वाले लाश को अपने खून से नहलाती है और उधर टार पर हम उसका असर होते हुए देख पाते हैं। उसे अपने चारों तरफ आत्माएं दिखाई देने लगती है। वो पैनिक करने लग जाती है तो सभी वापस जाने की डिसाइड करते हैं। उन्हें एक बोट उनके तरफ आते हुए भी दिखती है मगर उन तक पहुंचने से पहले ही मिसेस पनौर उस ड्राइवर को मार डालती है। वो बोट आगे गिरती है उनके बिल्कुल पास और इस एक्सीडेंट में किम पानी में गिर जाती है। पानी के नीचे उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो देखती है मिसेस पनौर उनके हस्बैंड मतलब टा के पिता और ग्रैनी को टॉर्चर कर रही है। चेयर से बांध कर टा के पिता के पैर से उनके नाखून निकाल रही है और वो दर्द में चिल्ला रहे हैं। कुछ देर बाद मिसेस पनौर उन्हें उसी हालत में छोड़कर निकल जाती है और टार के पिता अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लेते हैं। उनके लिए इस दर्द को सहन कर पाना और पॉसिबल नहीं हो पा रहा था।
नाउ बैक टू प्रेजेंट, टा किम को पानी से बाहर निकालने पर वो सभी को अपने विजन्स के बारे में बताती है और उस बंधु को भी ढूंढ निकालती है। टा खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तभी उन्हें और एक शॉक मिलता है, एक पिकल वाले जार से टार के पिता की लाश मिलती है उन्हें, मतलब उन्हें दफनाया भी नहीं गया। सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि पूरे घर में जैसे तांडव शुरू हो चुका था, स्पेशली टार, उसे तो वो आत्माएं लिटरली हॉन्ट करने लगी थी। वो सभी जाकर पूजा घर में शेल्टर लेते हैं, उन्हें लगा वो लोग वहां सेफ है, मगर उन्होंने तो नोटिस ही नहीं की कि मिसेस पनौर ने ऑलरेडी उस रूम को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। इस बार उसका शिकार बनता है को, वो उसे चोक करती है। को का पूरा शरीर दर्द में शिवर करने लग जाता है और उसके पीठ से बहुत सारे छिपकलियां निकलती हैं। दर्द में एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसी पूजा घर में उसकी मौत हो जाती है। अभी बचे थे सिर्फ टा, पौर, किम और टार। पौर डिसाइड करता है वो मिसेस पनौर को ढूंढ निकाल कर इसी बंदूक से उसका खून करेगा। इसके लिए वो टा को अपने साथ लेकर जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। इधर उनके जाने के साथ साथ टार को फिर से आत्माएं दिखने लगती हैं। वो डर के मारे जंगल के तरफ भागने लगती है, मगर दूसरे तरफ, और केम भी उसके पीछे पीछे भागती है, मगर अंधेरे में वो देख नहीं पाती और एक गड्ढे में गिर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से टा उसे बचाने भागता है पौर को छोड़कर। अकेले पौर को जंगल के अंधेरे में मिसेस पनौर दिखती है। वो उसे शूट करता है मगर एक भी गोली उसे नहीं लगती, क्योंकि एक्चुअल में ये तो सिर्फ उसका साया था जो उसे हॉन्ट कर रहा था। देखते ही देखते मिसेस पनौर गायब हो जाती है और पॉड अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागने लगता है। उधर हम देखते हैं टा ने किम को रेस्क्यू तो कर लिया है, मगर उसके पैर में चोट लगने के कारण वो और चल नहीं पा रही थी। वो उसे छोड़कर टा को पॉड के पास जाने के लिए कहती है। टा उसे अकेला छोड़कर तो नहीं जाना चाहता था, मगर पॉड को सच में ही उसकी मदद की जरूरत थी, तो वो उस तरफ भागता है। और उसके जाने के बाद ही किम को टार दिखती है। वो किसी से भाग रही थी, असल में उसे अपने चारों तरफ अजीब अजीब से क्रिएचर्स, मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे थे जिसे वो और सहन नहीं कर पा रही थी। किम उसे शांत करने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो शांत नहीं हो पा रही थी। फाइनली वो अपने आंखें निकाल लेती है। अभी कोई उसे डरा नहीं सकता, उसे लगा अभी वो बच जाएगी, लेकिन ब्लाइंड होने के कारण उसे पता ही नहीं चला कब वो खुद चलकर डेंजर तक पहुंच चुकी थी और बॉइलिंग ऑयल में जलकर उसकी मौत हो जाती है। उसे देखकर किम की हालत ही खराब हो जाती है, वो जोर जोर से रोने लगती है और इस बार पौर आकर उसे बचाता है, मगर इस पौर की हालत भी कुछ सही नहीं थी। उसे किम में मिसेस पनौर दिखने लगती है, तो वो उसे शूट कर देता है। फॉर्चुनेटली तभी टा वहां पर आकर किम को बचा लेता है, नहीं तो किम की वहीं पर मौत हो जाती। पौर पागल हो चुका है समझकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं और पौर फिर से एक बार अकेला पड़ चुका था। वो जंगल के अंदर से भागने लगता है पनौर से बचने के लिए, मगर शायद वो इतना आसानी से तो उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो उससे कुछ कन्फेस करवाना चाहती थी, उसे सच चाहिए था और वो सच निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि उसके सारे दर्द और तकलीफ के पीछे इसी पौर का हाथ है। एक्चुअली इस सब की शुरुआत उससे ही तो हुई थी, तो अभी उनकी बारी है। वो अपना बदला लेना चाहती है और वो पौर को टॉर्चर करने लगती है। फाइनली उसके हाथ से बचने के लिए पौर कन्फेस कर ही लेता है। असल में जब वो लोग स्कूल में थे तो पौर की गंदी नजर थी अपने टीचर मिसेस पनौर के ऊपर। उसने उस तांत्रिक के पास जाकर मिसेस पनौर पर लव स्पेल कास्ट किया, जिससे उनका अफेयर शुरू हुआ। मगर सिर्फ वो ही नहीं, उस कोच ने भी इसी तांत्रिक को पैसा खिलाकर मिसेस पनौर को बश में किया था। मिसेस पनौर का कोई दोष नहीं था, वो तो सिर्फ एक विक्टिम थी, मगर पौर को लगा पनौर सिर्फ उसकी है, तो उसने बदला लेने के लिए टा को जाकर कह दिया उसकी माँ उस कोच के साथ गुलगुला रही है। और उसके बाद भी जब उस कोच ने उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया तो सब ने उसे तो तांत्रिक के हवाले कर दिया, मगर सबके अनजाने में पौर ने अपना खेल शुरू किया। पहले वो उस वीडियो को लीक कर दिया और उसके बाद फिर से उस तांत्रिक के पास जाकर मिसेस पनौर पर टॉर्चर स्पेल अप्लाई किया। बेचारी मिसेस पनौर, मेंटली तो वो टूट ही चुकी थी, साथ में फिजिकली भी वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगा था, इतना दर्द, इतनी तकलीफ वो और सहन नहीं कर पा रही थी। तो वो उस शमन के पास जाती है जिसके पास उस कोच को ले जाया गया था। वो लेडी अपने पावर से उसे कह देती है किसने उस पर कर्स स्पेल किया है। अभी स्पेल को कैंसिल करने का बस एक ही रास्ता है, उसे उस इंसान को मारना होगा जिसने उस पर शाप दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे उसका मांस भी खाना होगा। लेकिन वो लेडी मिसेस पनौर को वार्न भी करती है कि इससे वो पागल भी हो सकती है।
लेकिन दर्द में वो ऑलरेडी पागल हो चुकी थी, इसीलिए वो वही करती है। एंड एज द रिजल्ट अभी मिसेस पनौर कम्प्लीटली पागल हो चुकी है, लेकिन इस इंसैनिटी में भी उसने अपने असली कल्प्रिट को नहीं भूली और इस पॉर को तो वो भूल ही नहीं सकती। लेकिन ये पॉर अपनी सारी जुर्म कबूल कर लेता है सिर्फ और सिर्फ मिसेस पनौर के हाथ से बचने के लिए। लेकिन असल में उसके सामने मिसेस पनौर तो थी ही नहीं, बल्कि थे किम और टा, जिन्होंने अभी सारा सच जान लिया था और अभी वो उससे नफरत करते हैं। पॉर उनसे मदद की भीख मांगता है मगर कोई राजी नहीं होता। वो लोग उसे छोड़कर एक श्राइन के पास जाकर छुप जाते हैं और पॉर को पनौर अपने घर में ले जाती है। वहां पहले चाकू से उसके चेहरे को काटती है, उसके बाद उसे जलाती है और उसके बाद उसके स्किन को निकालने लगती है। उधर जहां पर किम और टा बैठे थे, ठीक वहीं पर था नूट का बैग जिसके अंदर उसका फोन बज रहा था। इस पूरे इलाके में बस यहीं पर सिग्नल मिलता है। वो तो अभी तक घर नहीं पहुंची थी, इसीलिए उसके अंकल उसे बार बार कॉल कर रहे थे और इस बार इस कॉल को रिसीव करती है किम। वो उन्हें अपनी हालत बयां करती है और फॉर्चुनेटली इन दिस केस पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है, उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। और उधर पॉर की भी पुलिस के गोली से मौत हो जाती है। किम को जल्दी से हॉस्पिटलाइज की जाती है। उससे मिलने आता है टा। किम उसके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहती थी अपने रिलेशनशिप का, मगर तभी किम को एक बहुत बड़े राज के बारे में पता चलता है। वो लोग न्यूज देख रहे थे, पुलिस को टार को पोर की लाश और नूट की स्केलेटन मिली है पानी से, साथ में टा की भी। हाँ, टा की मौत हो चुकी है, वो भी उनसे पहले। किम तभी अपनी नजर डालती है टा के ऊपर जो उसके बिल्कुल पास ही बैठा था, लेकिन इस बार वो देखती है टा कोई इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई लाश है। असल में ग्रेजुएशन के बाद वो जब अपने घर गया था तभी उसे बहुत कुछ पता चल चुका था। उसे वो वीडियो मिली थी जिसे उसके पिता ने कैप्चर किया था। असल में पनौर के अफेयर के बारे में जानकर टा के पिता ने उसे डाइवोर्स देना चाहा। ऊपर से एक दिन उसे जंगल के अंदर पनौर दिखे उस शमन के मांस को खाते हुए, तो उन्होंने पनौर को छोड़ना चाहा, मगर पनौर ने उल्टा उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। मिसेस पनौर ने अपने सास को भी नहीं छोड़ा, उन्हें कमरे में बंद करके स्टार्व करके मार डाला। जब टा को सब कुछ सच्चाई के बारे में पता चल गया तो उसे भी बहुत टॉर्चरस मौत मिली। उसे वो सारे टॉर्चर्स झेलने पड़े जो इन लोगों को इंडिविजुअली मिली थी, मगर उसकी तो कोई कसूर ही नहीं थी, वो तो बेकार में फंस गया। इसीलिए उसने भी अपने सारे दोस्तों को ललचा कर यहाँ पर ले आया, उन्हें वही दर्द दिया जो उसे मिला था। सिर्फ किम को उसने जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वो उसे अभी भी प्यार करता है। वो उसे सिर्फ दिखाना चाहता था सब कुछ जो उसने दिखा दिया है, मगर वो उससे इतना प्यार करता है कि वो किम को मरने के बाद भी छोड़ नहीं सकता। कैसे छोड़ सकता है, ये प्यार नेचुरल जो नहीं है। किम ने इस प्यार को पाने के लिए उसी तांत्रिक के पास जाकर टा पर लव स्पेल कास्ट की थी, मतलब वो भी कोई इनोसेंट नहीं है। उस तांत्रिक ने पहले ही उसे वार्न किया था, टा उसे मरते दम तक प्यार करेगा, तब तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक किम जिंदा है। इसीलिए ही तो टा मरने के बाद भी उसके साथ है और रहेगा भी। लेकिन किम और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस टा को वो अपना नहीं सकती, इसीलिए वो खिड़की से कूद कर सुसाइड कर लेती है और इस कहानी की एंड यहीं पर हो जाती है। गाइस ऑनेस्टली मुझे कहानी बेहद पसंद आई है। हाँ, बहुत सारे ब्लडी सीन्स हैं जो देखने में काफी डिस्टर्बिंग है, आप उन्हें स्किप कर सकते हो, देख भी सकते हो अगर स्लैशर पसंद है तो, लेकिन उनके अलावा भी ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत सारे ट्विस्ट है और मैंने कोशिश की है कि हर एक ट्विस्ट को एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।